सासरा का बयान सामने आया है। इसमें पेपर लीक मामले में सांसद किरोड़ लाल के धरने को उन्होंने नौटंकी बताया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पेट में मरोड़े तेज हो गए हैं। 31,000 भर्तियां होने जा रही हैं। बेटे बेटियों के सपनों को चकनाचूर ना करें। पहली बार कर्मचारियों को बर्खास्त करने, संस्थाओं की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया है। पहली बार नकल गिरोह पर तगड़ा शिकंजा कसा गया है। भत्तीलाल क्या चीज है, कोई भी होगा और जो भी कहेंगे वो कह देना कि इसकी जांच कराना चाहते हैं, हम उसकी जांच कराने को तैयार हैं। कोई तथ्य तो दे। ऐसे ही करके जा वो या क्या, जो बच्चे जिनका नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिन्होंने पेपर ठीक ढंग से किया नहीं, पढ़ाई मैंने की नहीं, अब उन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम दोबारा करा देंगे। तो हो सकता है आपकी बार तुम्हारा चप्पल के अंदर की बजाय दूसरी चीज में चला जाएगा अंदर। तो ये गिरोह को सक्रिय करने का एक षड्यंत्र मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का। इनको खुले रूप से मैं चैलेंज देना चाहता हूँ। आप में अगर जरा बहुत भी नैतिकता है, जरा बहुत भी शर्म आप में बची हुई है, तो इन 31,000 बच्चों को नौकरी लगने दो। इनके साथ में खिलवाड़ मत करो। अगर किसी तरह का नकल का, फर्जीवाड़े का, पेपर आउट का कोई भी तथ्य आपके पास में हो तो आप दीजिए, हम पूरी पारदर्शिता के साथ में जांच कराएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई।